मित्रों आप सबको और प्रदेशवासियों को रंग पंचमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। आज मध्य प्रदेश आनंद के रंगों में रंगेगा और इंदौर का गैर तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उल्लास, आनंद, उत्साह और मस्ती के साथ होली के बाद रंग पंचमी, जो रंगों का त्यौहार है, जनता मना रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। आज श्योपुर जिले के लिए ऐतिहासिक दिन है। श्योपुर में आज मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास है। हमारा दूरस्थ जिला श्योपुर विकास की दृष्टि से पीछे ना रह जाए और जन सुविधाएं भी हम उत्तरोत्तर बेहतर कर पाए, इसलिए वहां मेडिकल कॉलेज खोलने का भी फैसला किया और उसमें लगभग 325 करोड़ रुपए की लागत आएगी। एक मुंजरी बांध का भूमि पूजन है। सिंचाई की सुविधाएं पूरे प्रदेश में लगातार बढ़ती रहे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि हम नए नए सिंचाई के प्रोजेक्ट हाथ में लेते जाएं। मुंजरी बांध 415 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा और श्योपुर जिले के बड़े हिस्से में किसानों को सिंचाई का पानी मिलेगा। हमारे वो बहन और भाई जो तेंदुपत्ता तोड़ते हैं, उनको पारिश्रमिक मजदूरी के साथ साथ बोनस देने का भी हम काम करते हैं। आज वहाँ तेंदुपत्ते के बोनस का वितरण भी है। 825 समितियों को 234 करोड़ रुपया वितरित किए जाएंगे। कुल मिला के 1013 करोड़ के शिलान्यास और लोकार्पण हैं और बाकी तेंदुपत्ते के बोनस का वितरण। विकास की गंगा मध्य प्रदेश की धरती पर बह रही है और श्योपुर जिला भी उससे अछूता नहीं है। मैं श्योपुर जिले की जनता को बधाई देने और ये कार्यक्रम संपन्न करने स्वयं श्योपुर जा रहा हूँ। मित्रों, सकारात्मक और रचनात्मक काम का हमको हमेशा स्वागत करना चाहिए। आप यहाँ देखते हैं वृक्षारोपण स्थल पर छोटे छोटे बच्चे भी अपना जन्मदिन वृक्ष लगा के मनाते हैं। कई स्वयंसेवी संस्थाएं आती है। जन भागीदारी से हम समाज में क्रांति ला सकते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण नर्मदापुरम के एक छोटे से गांव गुजरखेड़ी ने प्रस्तुत किया है। गुजरखेड़ी में हमारी आर्थिक रूप से कमजोर बेटी थी दीपा। दीपा के पिताजी का कुछ साल पहले देहांत हो गया था। पिता पैसे से बढ़ई थे, घर की आर्थिक स्थिति खराब थी, लेकिन गुजरखेड़ी के नौजवानों ने दीपा की धूमधाम से शादी करने का फैसला किया और मुझे वो बताते हुए खुशी है। गांव के नौजवानों ने एक एक कर हाथ आगे बढ़ाया, सोशल मीडिया ग्रुप बनाया और एक एक करके 2.25 लाख रुपया लोगों ने दान दिया और दीपा की शादी बहुत धूमधाम से संपन्न हुई। दीपा की शादी में स्थानीय प्रशासन, पुलिस और समाजसेवियों ने भी खुले दिल से मदद की। गुजरखेड़ी का ये उदाहरण पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा है कि जनता अगर ठान ले सरकार के साथ साथ तो कोई वंचित रह नहीं सकता। दीपा बेटी को बहुत बहुत बधाई और भगवान उसको हमेशा सुखी रखे। आज मैं फिर कांग्रेस को, कमलनाथ जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि झूठ को कितने ही सुंदर लिबास पहना कर सच दिखाने की कोशिश करें, लेकिन झूठ का मुंह काला ही रहता है। उन्होंने कई झूठे वादे किए थे और मैं लगातार उनसे सवाल पूछ रहा हूँ
कि उन झूठे वादों का क्या हुआ, क्यों पूरे नहीं हुए। कमलनाथ जी, आपने कहा था सरकार आने के पहले जनता को अपने वचन पत्र में कि गंभीर रूप से बीमार बहनें जो काम करने की क्षमता खो चुकी है उनको जीवन भर भरण पोषण के लिए योजना बनाएंगे। आपने वादा तो कर लिया, वोट भी ले लिए थे, लेकिन पूरा क्यों नहीं किया। सर कमलनाथ, कांग्रेस कल प्रदेश स्तरीय आंदोलन कर रही थी। मैं लगातार उनसे सवाल पूछ रहा हूं कि उन झूठे वादों का क्या हुआ, क्यों पूरे नहीं हुए। कमलनाथ जी, आपने कहा था सरकार आने के पहले जनता को अपने वचन पत्र में कि गंभीर रूप से बीमार बहनें जो काम करने की क्षमता खो चुकी है उनको जीवन भर भरण पोषण के लिए योजना बनाएंगे। आपने वादा तो कर लिया, वोट भी ले लिए थे, लेकिन पूरा क्यों नहीं किया। सर कमलनाथ, कांग्रेस कल प्रदेश स्तरीय आंदोलन कर रही, तमाम नेता तैयारी कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष खुद ही प्रदेश से बाहर है, संभवतः देश से ही बाहर है। अब वो प्रदेश के बाहर है कि देश के बाहर है, लेकिन ट्विटर की चिड़िया उनकी सदैव उड़ती रहती है। अब ये कांग्रेस विश्लेषण करे कि उनके जो राष्ट्रीय नेता है वो भी देश के बाहर जाके ज्यादा बात करते हैं, और जो प्रदेश के नेता, मुझे पता नहीं कि वो देश के बाहर है, लेकिन कौन कहाँ है और कौन क्या कर रहा है ये कांग्रेस खुद सोचे। धन्यवाद।